सब्सक्राइब करें वॉइस ऑफ पानीपत चैनल को, पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिल सके हर अपडेट सबसे पहले। बीसीसी एकेडमी 101% फैमिली इंस्टीट्यूट, अंग्रेजी बोलना सीखी। बीसीसी एकेडमी अब सेक्टर 13-17 मेन मार्केट में भी, हेड ऑफिस मॉडल टाउन नियर अनेजा पेट्रोल पंप पानीपत। संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हुए व्यापारी के बेटे का नहीं लगा कोई सुराग। बीएमए के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव आहूजा आप पार्टी में शामिल, लड़ सकते हैं चुनाव। फैक्ट्री मालिक को बंधक बना लूट की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह के 6 सदस्यों को CIA-1 की टीम ने किया काबू। हुड्डा लैंड की जमीन पर अवैध तरीके से खोले जा रहे शराब के ठेके को अधिकारियों ने हटाया। आईपीएल मैच पर सट्टा लगाते हुए काबू किए गए 2 आरोपियों को भेजा गया 2 दिन की रिमांड पर। 5 साल के मासूम कार्तिक के परिजनों को पुलिस और प्रशासन ने दिया आश्वासन, टूटा अनशन। 134A के तहत विद्यार्थियों द्वारा दी गई परीक्षा के परिणाम में देरी होने के चलते गुस्साए अभिभावक। मुख्यमंत्री द्वारा किया गया वादा पूरा नहीं होने पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन निर्माण संघर्ष समिति ने उपायुक्त को सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आपका स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं पानीपत दनादन और मैं हूं आपके साथ सोनम। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की गतिविधियों की। संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हुई शहर के सबसे बड़े चावल व्यापारी के बेटे का अभी तक कुछ भी पता नहीं लग पाया है। गोताखोर की टीम सुबह से ही उसे तलाश कर रही है। आज सुबह शहर के सबसे बड़े चावल व्यापारी का बेटा रोहित गोयल संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गया। रोहित की महंगी कार असंध रोड नहर के किनारे मिली, जिसके बाद से रोहित को पुलिस द्वारा ढूंढा जा रहा है। शाम तक रोहित का कुछ नहीं पता लग पाया है, जिसे ढूंढने के लिए पुलिस हर प्रयास कर रही है। बता दें कि रोहित गोयल की देर रात अपने घर पर बात हुई। रोहित ने 10 मिनट में घर पहुंचने की बात कही, लेकिन उसके बाद फोन स्विच ऑफ हो गया, जिसके बाद परिजन रोहित को ढूंढते हुए नहर किनारे पहुंचे। रोहित की मर्सिडीज कार नहर के किनारे मिली। पुलिस को कार के अंदर लेफ्ट साइड के दरवाजे पर खून के निशान मिले और साथ ही किसी महिला के सिर के बाल भी मिले, एक बंद शीशी सेवलोन की भी मिली। फिलहाल पुलिस और गोताखोर द्वारा रोहित की तलाश की जा रही है। एक युवक और एक युवती की डूबने की सूचना हमारे पास आई है, गाड़ी भी उनके यहाँ पर मिली है। कार्रवाई कर रहे हैं, जिस तरीके से कंप्लेंट आई है उस हिसाब से FIR दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन करेंगे और बॉडी मिलने के बाद ही साफ हो पाएगा। क्या मामला सर, परिवार वालों ने क्या बताया, कब बात हुई थी उनकी? परिवार वाले रात 1 बजे के आसपास इनकी बातें हुई हैं। उन्होंने अपने घर में ये कहा है जो युवक था कि मैं अभी पहुंच रहा हूं, लेकिन वो घर नहीं पहुंचा और फोन स्विच ऑफ हो गया। उसके बाद ढूंढने लगे तो फिर पता लगा कि यहाँ उनकी गाड़ी मिली है। अभी तलाश जारी है, गोताखोर बुलवाए हैं और पानी कुछ कम करवाया है, तो बॉडी मिलेगी उसके बाद ही पता लगेगा। तो गाड़ी में कुछ मिला जी, ब्लड वगैरह जी? हाँ, गाड़ी में ब्लड नज़र आ रहा है। वो FSL की टीम हमने बुलाई है, वो एग्जामिन कर रही है जी, उसके बाद ही पता लग पाएगा उस एग्जामिनेशन के बाद भी क्या निकल। तो कौन है सर ये जो बता रहे रोहित, कौन है जी? मॉडल टाउन के रहने वाले हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय मोदी आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव आहूजा ने आज आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद उन्हें पार्टी ज्वाइन करवाया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी में ज्वाइनिंग के वक्त हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष नवीन जैन, संगठन मंत्री सोया बालम, जिला अध्यक्ष राम रतन शर्मा भी मौजूद रहे। राजीव आहूजा पिछले 4-5 सालों से भारतीय मोदी आर्मी नामक सामाजिक संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का बखान करते रहे थे। आहूजा ने कई राज्यों में भारतीय मोदी आर्मी का गठन भी किया हुआ था। आहूजा का कहना है कि उनका पार्टी में दम घुट रहा था और वो सच्चे कार्यकर्ता की तरह पार्टी की सेवा कर रहे थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें मान सम्मान नहीं दिया। उन्होंने चुनाव लड़ने की संभावना जताते हुए कहा कि वो बिना शर्त पार्टी में ज्वाइन हुए हैं, लेकिन पार्टी उन्हें चुनाव लड़वाती है तो वो चुनाव जरूर लड़ेंगे। जी बिल्कुल ठीक है, आपकी सूचना सही है। मैंने आज आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और आम आदमी पार्टी के सर्वोसर्वा हैं, उनके नेतृत्व में और हरियाणा प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाई नवीन जैन, उनके मौजूदगी में और पानीपत जिला के जो जिलाध्यक्ष हैं भाई राम रतन जी, वो और पूरी समस्त आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय नेतृत्व था वो वहाँ मौजूद था जब मेरी ज्वाइनिंग हुई, और पूरे मान और सम्मान के साथ उन्होंने जो है मेरी आम आदमी परिवार के अंदर जो है आज ज्वाइनिंग करवाई है। देखिए, पिछले कई दिनों से हम लोग ये महसूस कर रहे थे कि
भारतीय जनता पार्टी अब वो दल नहीं रहा जिसे हमने अपने खून और पसीने से 12 साल सींचा था। अब हमें वो दल ये नज़र नहीं आया जहां एक आम कार्यकर्ता की भी जो थी पूछ होती थी। आज हमें एक ऐसा यहां पर नेतृत्व नज़र आया जो सिर्फ अंधा बांटे रेवड़ियां और मुड़ मुड़ अपनों को दे। हमें ऐसा लगने लगा था इस अरसे के दौरान कि मैं ये शेर के द्वारा बात कहूँगा कि अंग्रेज़ के सर पर ताज नहीं, चंगेज भी कोई आज नहीं, कहने को तो भारत अपना है पर लगता अपना राज नहीं। ऐसा हमें महसूस होने लगा था जो है इस थोड़े से अरसे के अंदर, जब से जो है राष्ट्रीय नेतृत्व ने ऐसे ऐसे लोगों को टिकटें दे करके भेजी जो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए काम करते हैं। जब टिकट उनके पास होती है तो वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बन जाते हैं, नेता बन जाते हैं, और जब उनके पास नहीं होती, किसी दूसरे परिवार के पास होती है, तो उसकी पीठ में चुरा घोंपते हैं। कम से कम मुझे इस बात की संतुष्टि है कि हमने आज पीठ में चुरा घोंपने का काम नहीं किया। हमें अगर विरोध है तो सामने आकर के हम टक्कर देंगे इस पार्टी को, और हम बताएंगे कि जो है असली कार्यकर्ता कहाँ बसता है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस बार करनाल लोकसभा के अंदर झाड़ू चलेगा, और इस बात के अंदर कोई अतिशयोक्ति नहीं, जिसे भी पार्टी जो है टिकट देकर के भेजेगी वो भारी मतों से विजय हो। तो आपका चुनाव लड़ने की भी कोई इच्छा है? देखिए, मैं कोई बाबा नहीं कि मेरा दिल नहीं करता, लेकिन मेरी कोई मांग नहीं। मैं कोई, और आज तो बाबे भी चुनाव लड़ रहे हैं, पूरे देश के अंदर सारे ही बाबे ही तो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मेरी कोई अपनी कोई ख्वाहिश नहीं, और मैं बिना शर्त आज आम आदमी पार्टी के अंदर शामिल हुआ हूँ। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी ये समझती है कि डॉक्टर राजीव आहूजा को ये चुनाव लड़ना चाहिए, तो डॉक्टर राजीव आहूजा हमेशा शामिल है, नहीं तो जिसे भी एक साधारण कार्यकर्ता को भी टिकट देगी तो हम उसकी तन मन और धन के साथ जो है सहयोग करेंगे। हथियार के बल पर फैक्ट्री के मालिक और लेबर को बंधक बना लूट की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह के 6 सदस्यों को सीआईए 1 की टीम ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। डीएसपी सतीश कुमार वस्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मंगलवार शाम सीआईए 1 की एक टीम एएसआई दिलबाग सिंह के नेतृत्व में थाना मॉडल टाउन क्षेत्र के अंतर्गत गश्त के दौरान मौजूद थी। इसी दौरान टीम को गुप्त सूचना मिली कि देवनगर गैस गोदाम रोड पर एक खाली प्लॉट में 5 संदिग्ध किस्म के युवक बैठे हुए हैं जो किसी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना के आधार पर टीम ने तुरंत मौके पर दबिश दी तो पांचों युवकों को काबू कर पूछताछ की तो उन्होंने अपनी पहचान अक्षय, दीपक, रवि, राहुल, अभिषेक के रूप में बताई। गहनता से पूछताछ करने पर आरोपियों ने गत 11-12 मार्च की देर रात थाना मॉडल टाउन क्षेत्र के अंतर्गत सैनिक कॉलोनी में स्थित एपीएस ट्रेडर्स फैक्ट्री में लूट की नीयत से छत व शेड के रास्ते घुसकर फैक्ट्री मालिक आनंद जैन के साथ मारपीट कर पिस्तौल के बल पर उसे व लेबर को बंधक बना अलमारी से पैसे निकालने का प्रयास किया, लेकिन चाबी न मिलने के कारण आरोपी एक मोबाइल फोन ले वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए थे। और बताया कि प्रारंभिक पुलिस पूछताछ से सामने आया कि आरोपी अक्षय 1 साल व दीपक 2 महीने पहले इसी फैक्ट्री में नौकरी करते थे। दोनों को सब कुछ पता था कि फैक्ट्री में किस टाइम कितनी लेबर मौजूद रहती है। 11-12 मार्च की रात को सैनिक कॉलोनी में एक फैक्ट्री में वारदात हुई थी। कुछ लड़के फैक्ट्री के अंदर घुस के लूट के इरादे से घुसे थे और मालिक के साथ उन्होंने मारपीट की, चोट मारी उसको, और लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिली। चाबी लॉकर वगैरह की उनको नहीं मिल पाई तो वो मालिक का मोबाइल लेकर चले गए। उसी वारदात का खुलासा हमारी सीआईए 1 की टीम ने आज किया है। 16 तारीख को 5 लड़के 16 तारीख को उसमें गिरफ्तार किए हैं और 1 लड़के को उनकी पूछताछ के आधार पर आज गिरफ्तार किया है। वारदात में टोटल 7 लड़के थे जिनमें से 6 गिरफ्तार हो चुके हैं। 7वां लड़का पहले ही सोनीपत पुलिस द्वारा किसी 302 के केस में गिरफ्तार किया हुआ है जो सोनीपत जेल में। इनसे कुल 2 पिस्तौल बरामद हुए हैं, 2 पिस्तौल, 1 जिंदा रौंद, 1 सुआ और 1 वो मोबाइल जो छीना हुआ था वो इनसे बरामद हुआ। फैक्ट्री में काम करते रहते हैं इनमें से 2 लड़के, मैंने बताया कि अक्षय और दीपक पहले इसी फैक्ट्री में काम करते थे। उनको पूरा इसका भेद था कि भाई कहाँ से घुसना है, कहाँ से किस टाइम बंदे कम होते हैं, तो वो पूरा सुनियोजित तरीके से इन्होंने वारदात की। कोई आपराधिक रिकॉर्ड इनका? आपराधिक रिकॉर्ड एक लड़के का पता लगा है, डिम्पल नाम है उसका, डिम्पल उर्फ दीपक, जो मुरथल में भी बंद है, मुरथल थाने के किसी केस में 302 में बंद है। बाकी का चेक करवा रहे हैं क्योंकि सभी कोई यूपी का है, कोई बिहार का है,
तो सबके जो होम थाना है उनसे रिकॉर्ड चेक करना है। कितने पढ़े लिखे और ये किस लिए करते थे शौक मारने के? ये अपने शौक पूरे करने के लिए करते थे, पढ़े लिखे कम ही है और सारे 18 और 19 साल के। हुड्डा की जमीन पर सेक्टर 25 में अवैध तरीके से शराब के ठेकेदारों द्वारा शराब का ठेका खोला जा रहा था, लेकिन इसकी जानकारी अधिकारियों को लगते ही उन्होंने उनको खदेड़ दिया। हुड्डा सेक्टर 25 में शिवालिक फर्निशिंग फैक्ट्री के नजदीक हुड्डा लैंड की जमीन पर अवैध तरीके से शराब के ठेकेदारों द्वारा ठेका खोला जा रहा था। इस मामले को लेकर अधिकारी को तुरंत सूचना दी गई। अधिकारियों को सूचना मिलते ही पूरी टीम मौके पर पहुंची और शराब के ठेकेदारों द्वारा वहां पर गैर कानूनी तरीके से जगह पर मिट्टी डालकर ठेका खोलने की तैयारी की जा रही थी। नेशनल हाईवे के अधिकारियों और हुड्डा के अधिकारियों ने मिलकर तुरंत इस पर कार्रवाई की गई और क्रेन की मदद से डाली गई मिट्टी को हटवाया गया। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ और गतिविधियों के साथ। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी प्रोडक्ट आसान किस्तों पर उपलब्ध। LG, सैमसंग, गोदरेज, कैरियर, डाइकन, ऑथराइज्ड डीलर, ASMRO ऑल मॉडल अवेलेबल। अपो, वीवो, सैमसंग, एप्पल मोबाइल भी उपलब्ध। फोन 9812214543, जीडी रोड नियर फेडरल बैंक, पानीपत। Prayag International School Panipat provides a conducive learning environment transforming pedagogical practices where learning takes place beyond the classroom, fostering values and acquiring life skills, opening a gateway to a bright future. Admissions are open from class pre-nursery to 10th and attractive scholarships are being offered on merit basis. Scholarship test is held on 17 March 2019 at 11 a.m. For further details, please contact Prayag International School. हैदराबादी जनरल अस्पताल एवं नर्सिंग होम सनोली रोड पानीपत में अब 24 घंटे सभी प्रकार के हृदय रोगियों के लिए उचित दरों पर कैथलैब सुविधा शीघ्र खुल रही है। आधुनिक मशीनों द्वारा हृदय का इलाज डॉक्टर सुनील कुमार सोफत सुपर स्पेशलिटी DNB कार्डियोलॉजी, भूतपूर्व हृदय रोग विशेषज्ञ मेदांता अस्पताल गुरुग्राम। संपर्क करें 9992500368 और 369। IPL मैच पर सट्टा लगाते हुए काबू किए गए दो आरोपियों को कोर्ट ने 2 दिन की रिमांड पर भेजा है। CIA2 द्वारा मंगलवार को IPL मैच पर सट्टा लगाने वाले गिरोह को काबू किया गया था। ये कंट्रोल रूम बधावाराम कॉलोनी में भूल भुलैया चौक के पास एक मकान में बना था। इसमें 137 मोबाइल फोन कनेक्ट थे। दो युवक जालंधर से लाइन लेकर 36 बुकी पर ट्रांसफर कर रहे थे। पुलिस ने दोनों को मौके से गिरफ्तार कर लिया। लाइन क्रिकेट मैच शुरू होने से खत्म तक लगातार चलती थी। इसमें सभी मोबाइल की सिम अलग अलग लोगों की आईडी पर ली गई थी। CIA द्वारा सभी आईडी मालिकों से पूछताछ की जाएगी। मामले में करीब 150 लोग CIA2 के रडार पर हैं। वहीं DSP सतीश कुमार वस्त ने बताया कि मुखबिर ने सूचना दी कि भूल भुलैया चौक के पास एक मकान में दो लोग IPL मैच पर ऑनलाइन दाव लगवा रहे हैं। आरोपी लोगों को लाइन सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बताकर सट्टा लगवा रहे हैं। SP सुमित कुमार से परमिशन लेकर SI भीम सिंह के नेतृत्व में टीम में दबिश थी तो दो युवक कंट्रोल रूम चलाते मिले। उनकी पहचान यशपाल उर्फ यश पुत्र राजकुमार निवासी गली नंबर 2 भूल भुलैया चौक और कमल पुत्र ओम प्रकाश निवासी दुर्गा एंक्लेव ईदगाह रोड के रूप में हुई। आरोपियों ने एक लकड़ी के बॉक्स पर 36 मोबाइल फोन लगा रखे थे। पुलिस ने IPC की धारा 420, 120B और जुआ अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है। जेल कैंप से दो लड़के कल पकड़े हैं हमारी CIA2 की टीम ने। वो मोबाइल के माध्यम से सट्टे का कार्य कर रहे थे और उनके कब्जे से 36 के करीब मोबाइल बरामद हुए हैं मौका से और हमने उनको गिरफ्तार कर लिया है और 3 दिन के पुलिस रिमांड कर दिया। पूछताछ कर रहे हैं अभी क्या क्या उनका सिस्टम रहता है और कौन कौन इसमें हुआ। ये कंट्रोल रूम बना रखा था यहाँ पर ऐसी सोचना सर कुछ? हाँ, 36 मोबाइल मिले हैं तो ऑब्वियसली कंट्रोल रूम ही आगे हर उसके मोबाइल के माध्यम से आगे कस्टमर बना के वो खिलवाते। अलग 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 लोगों के आईडी का नंबर जितने मोबाइल चलते होते हैं? हाँ, वो कस्टमर्स के होते हैं, उनके कस्टमर के नंबर थे वो तो उन्हीं के, वही लोग खेलते हैं उनके साथ। वो इन्वेस्टिगेशन का इशू है सब। होगा इतने सेट जहाँ पर रखे हैं वो एक कंट्रोल रूम का ही काम कर रहा है और वो आगे इन्वेस्टिगेशन का इशू है कि उसमें क्या क्या निकल के आता है। 3 दिन के रिमांड पर है, देखते हैं क्या। 5 साल के मासूम कार्तिक की मौत के जिम्मेदार आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अनशन पर बैठे परिजनों का आज अनशन पुलिस और जिला प्रशासन ने खत्म करवाया।
बीते दिनों बाबा जोत सचियार पब्लिक स्कूल की बस के नीचे आने से हुई 5 साल के मासूम कार्तिक की मौत की जिम्मेदार आरोपी प्रबंधन स्कूल की गिरफ्तारी के लिए कार्तिक के परिजन कई दिनों से लघु सचिवालय के सामने आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। आज अनशन पर बैठे हुए परिजन और कुछ सामाजिक कार्यकर्ता एसपी से मिलने पहुंचे थे। एसपी से मिल परिजनों ने कहा कि अगर उनको न्याय जल्द नहीं मिलेगा तो उनका ये अनशन भव्य रूप ले लेगा, जिसको देखते हुए उपायुक्त द्वारा तहसीलदार को मौके पर भेजा गया। तहसीलदार और डीएसपी द्वारा परिजन को आश्वासन देकर उनका अनशन खत्म करवाया गया। वहीं तहसीलदार और डीएसपी का कहना है कि उन्हें आश्वासन दिया गया है और भविष्य में अगर कोई परेशानी होगी तो वो उनका पूरा सहयोग करेंगे। आज ये कार्तिक के परिवार से मिलने के लिए माननीय उपायुक्त महोदय ने मुझे भेजा था, तो पीड़ित परिवार के साथ प्रशासन की पूरी संवेदना है और हमने आश्वासन दिया है कि उनको जहां भी कानूनी जो भी सहायता हमारे लेवल पे होगी हम उसमें पूरी करेंगे। जो पुलिस ने कार्रवाई की है उस कार्रवाई में कहीं कम्युनिकेशन गैप इनको महसूस हो रहा था, जो आगे से हम इसको हर कार्रवाई से अवगत करवाते रहेंगे, ऐसा पुलिस अधिकारियों ने भी आश्वासन दिया है और हम भी पीड़ित परिवार के साथ पूरी तरह से साथ इनसे रिक्वेस्ट की थी और इनको सारे मामले से जब अवगत कराया और हमने आश्वासन दिया तो ये संतुष्ट होकर इन्होंने अपना अनशन तोड़ा। एक तो बच्चे का जो हजार वाले स्कूल की बस के में घटना में मौत हुई थी, इस बारे उसके माँ बाप यहाँ पर बैठे हुए थे, वो कुछ कम्युनिकेशन गैप था, हमने बात की है, एसपी साहब ने बात की है, तो कुछ कम्युनिकेशन गैप था, उनको सारी बातें हमने क्लियर कर दी हैं। स्कूल के उस बस के ड्राइवर को और बस के मालिक को अरेस्ट किया गया है, चालान न्यायालय में दिया गया है, अब ये संतुष्ट हैं, इनको हमने सारी बातें बताई हैं। फिर भी अगर कोई इनको शंका है तो हम इनके साथ हैं, संवेदनाएँ भी हमारी और कानूनी रूप से भी हम इनके साथ हैं। वहीं कार्तिक के पिता का कहना है कि उन्हें दिए गए आश्वासन से वो पूरी तरह से संतुष्ट हैं। क्या कहना है, जो हुआ ठीक करा इन लोगों ने, जो होगा कानूनी कार्रवाई से मैं करूँगा जैसे भी हो सकेगा इन लोगों के लिए। आज आप एसपी साहब से मिलने गए थे, क्या आश्वासन मिला, क्या काम? उन्होंने कहा कि हम धारा होते उस पर चेंज हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता, कि धारा उसके खिलाफ नहीं बनती है, जो बनती थी ड्राइवर के खिलाफ वो 304 लगा दी है, जो मैनेजमेंट के खिलाफ बनती थी वो हमने लगा दी उस धारा पे। बस एसपी साहब डीएसपी साहब ने बोला है जैसे भी हो सकेगा तेरा हम तेरे साथ रहेंगे सारी उम्र, जो जब तक इस केस को कोई नहीं निबटता जब तक हम तेरा साथ देंगे। संतुष्ट ही है सब। 134A के तहत विद्यार्थियों द्वारा दी गई परीक्षा का परिणाम आज घोषित किया जाना था, लेकिन परिणाम में देरी होने के चलते गुस्साए अभिभावक लघु सचिवालय में पहुंचकर रोष जताया। दरअसल शिक्षा विभाग द्वारा 134A के तहत 28 मार्च से आवेदन की प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिसके बाद 11 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन किए गए थे और 14 अप्रैल को असेसमेंट टेस्ट लिया गया था और आज विद्यार्थियों द्वारा दी गई परीक्षा का परिणाम घोषित होना था। परिणाम के लिए सभी अभिभावक सुबह से ही बीईओ के कार्यालय पर इकट्ठा हुए, लेकिन परिणाम में देरी होने के चलते गुस्साए अभिभावक लघु सचिवालय में उपायुक्त के कार्यालय पर पहुंचे और नारेबाजी कर रोष जताया। वहीं 2+5 मुद्दे जन आंदोलन संगठन द्वारा 134A के नियमों को लेकर कई मुद्दों पर चर्चा की गई और कई अहम फैसले भी लिए गए। आज हम शिक्षा के अधिकारों को लेकर और मासूम को न्याय दिलाने को लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। मुख्यतः आज 18 तारीख को 134 का रिजल्ट घोषित करना था, लगभग सभी जिलों में रिजल्ट घोषित हो चुका, लेकिन पानीपत के अंदर इन्होंने 134 का रिजल्ट घोषित नहीं किया। शिक्षा विभाग का और प्रशासन का रवैया शुरू से ढीला रहा है। 28 मार्च से 11 अप्रैल तक इन्होंने ऑनलाइन आवेदन मांगे थे, उसमें वेबसाइट ठप रही है, लगातार दिक्कत बनी हुई है। उसके बाद 14 तारीख को टेस्ट लिया गया, टेस्ट में भी बच्चों को आधा घंटा लेट पेपर दिया गया और टाइम से उनको बाहर निकाल दिया गया। आज 18 तारीख को नियम 134 का रिजल्ट घोषित होना था सुबह 10 बजे, लेकिन अभी तक 134 का कोई रिजल्ट घोषित नहीं हुआ। सभी बच्चे और हजारों की तादाद में जो अभिभावक है, महिलाएं हैं, सभी अपना रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा दूसरा हमारा मुद्दा था नियम 158 है, नियम 158 भी अच्छी तरह लागू हो, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों ने लूट मचा रखी है, मनमानी 20,000 बढ़ा देते हैं। तो 158A और 158B के लिए भी हमारा डीसी से और प्रशासन से मांग है। एनसीईआरटी की किताबें लागू हो और जो अलग अलग प्राइवेट निजी प्रकाशकों की किताबें हैं वो जो लागू करा रखी है वो अवैध है, गैर कानूनी है। नंबर 4, जो भी जिले के अंदर गैर मान्यता प्राप्त स्कूल चल रहे हैं, धड़ल्ले से लूट मचा रखी है, गैर मान्यता प्राप्त स्कूल चल रहे हैं, वो भी जल्द से जल्द तुरंत प्रभाव के साथ बंद हो। सरकारी स्कूल की व्यवस्था जल्द से जल्द उसमें सुधार हो और व्यवस्था ठीक रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन निर्माण संघर्ष समिति द्वारा उपायुक्त को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ये ज्ञापन इसलिए दिया गया कि मुख्यमंत्री ने जो 2 साल पहले वादा किया था उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए। समिति के सदस्यों का कहना है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 5 फरवरी 2017 को पानीपत की सेक्टर 13-17 में आयोजित
संत रविदास जयंती के कार्यक्रम में ये घोषणा की थी कि पानीपत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन निर्माण हेतु जिले में 2 एकड़ जमीन हरियाणा सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी और भवन का निर्माण करवाया जाएगा। लेकिन घोषणा के 2 साल बाद भी आज तक भवन का निर्माण नहीं हुआ, जिससे पूरे समाज की भावना आहत हुई है। इसी को लेकर आज समिति ने ज्ञापन देकर सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द भवन का निर्माण करवाया जाए और अगर उनकी ये मांग नहीं मानी गई तो वो सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे, जिसके जिम्मेवार सरकार खुद होगी। लगभग 2.5 वर्ष पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर जी ने एक रैली का आयोजन किया और वो बिल्कुल झूठ बोल के रैली हमारे से करवाई। उसमें लाखों की संख्या में हमारे जो दलित साथी पहुंचे और उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, जबकि वहां पर कोई खाने की पीने कोई व्यवस्था नहीं थी। हमने भूखे रह के उस रैली का आयोजन को सफल किया और उसमें कृष्ण पवार मंत्री जी जो है उसकी वाई वाई हुई। हम उस रैली का और उसकी जो घोषणा थी उसका बहिष्कार करते हैं, क्योंकि जब भी हमारे बच्चे बाहर से पेपर देने आते हैं तो उनको रोड पे सोना होता है, उनके लिए छात्रावास की कोई व्यवस्था नहीं है। हम जो है आज डीसी को जो है ना मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने यहाँ पर पूरे छात्र संघ जो है यहाँ इकट्ठा हुए हैं। अगर अभी हमारी मांग जो पूरी नहीं हुई, छात्रावास की व्यवस्था नहीं हुई, जगह की व्यवस्था नहीं हुई, तो हम इस सरकार को उखाड़ फेंक देंगे। लेकिन हमें अपने आने वाले बच्चों के लिए एक छात्रावास की एक सुंदर भवन की यहाँ जरूरत है, ये सरकार से हमारी विनती है। तो अंबेडकर भवन को लेकर था ज्ञापन, उनका कहना था कि काफी समय पहले उनको जमीन अलॉट करने की और अंबेडकर भवन बनाने की घोषणा हुई थी। तो इसमें अभी आचार संहिता के दौरान तो देखिए इस तरह का कोई नया हम, मैं ये तो नहीं कह सकती कि हम कल शुरू कर देंगे, लेकिन हम ये बिल्कुल फॉरवर्ड करेंगे और कहाँ ये काम किन कारणों से रुका है इस बारे में विचार करेंगे और अगर संभव होगा तो आचार संहिता खत्म होने के बाद उस पर कार्रवाई भी हो जाएगी। आज की गतिविधियों में बस इतना ही, जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार। एल के होंडा गोहाना रोड पानीपत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत केवल 101 रुपए डाउन पेमेंट पर आधार कार्ड व बिजली बिल लाएं और कोई भी गाड़ी ले जाएं। एल के होंडा गोहाना रोड पानीपत, असंत रोड पानीपत व जीटी रोड संभाल का। लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान। नियर होटल वेस्ट पानीपत,